अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी ब्रेकफास्ट रूटीन। तो उसमें सबसे पहले टाइम हो चुका है 10 बजे का। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम लेंगे 1 ग्लास नीम गर्म पानी। तो अभी चलते हैं पानी की तरफ, पानी गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 1 ग्लास पानी मैंने ले लिया जिसको गर्म कर लिया, बॉयल्ड था। चूल्हे पे इसको गर्म किया। ट्राई करें कि अवन यूज़ ना करें, चूल्हे पे ही इसको गर्म करके लें। इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, इसी तरह से हमने इसको निहार मुँह लेना। अब इसके साथ साथ हम चाय रेडी कर लेते हैं। तो सिंपल सी चाय हमने बनानी है विदाउट शुगर। दूध गर्म करेंगे और इसके साथ साथ हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस और कोई भी फ्रूट ले लेंगे नाश्ते में। बहुत ही हेल्दी एक आपका नाश्ता हो जाता है और डाइट में भी अच्छा रहता है। तो इसमें मैं बस चाय की पत्ती ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाऊँगी। साथ साथ मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। अगर आप डाइट पे हैं तो दूध पत्ती मत पिए, चाय पिए। पानी ऐड करके फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने। अब इसमें मैंने शामी और जो ब्रेड है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, लेकिन मिनिमम ऑयल में। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 चम्मच ऑयल लिया है। इसको अच्छी तरह से पैन में फैला देंगे। शामी अगर आप डाइट में यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आपने विदाउट एग यूज़ करना है, ठीक है। इसको तो हल्का सा गर्म करेंगे। डेली रूटीन में भी अगर ये ब्रेकफास्ट लिया जाए तो बहुत ही हेल्दी है। और सुबह सुबह इतना खाना बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे शामी है मेरे पास जिसको मैंने डायरेक्ट रख दिया है फ्राइंग पैन के अंदर। कोई भी अंडा इसमें शामिल नहीं किया। इसको हम आहिस्ता फ्लेम पर पका लेंगे अच्छी तरह से दोनों साइड से। और साथ ही दो ब्रेड स्लाइसेस मैंने रख दी। मीनवाइल जो पक रहे हैं, एक पीच ले लिया मैंने, उसके पीसेस कर लेंगे। पीच कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा हमारे जो पेट है उसको साफ रखता है। तो पीच लास्ट में लिया करें। इसके अलावा अगर आप नाश्ते में एक अगर आप इसमें एक एप्पल ऐड करना चाहें तो एप्पल नाश्ते में बहुत अच्छा होता है, वो आप खा सकते हैं। तो ब्रेड यहाँ पे हो चुकी है, इसको हल्का सा गर्म ही करना था, ये हो चुके हैं। शाम को साइड चेंज करके ये भी रेडी कर लिया है मैंने यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से पका लेना। तो इसके अलावा नाश्ते में बॉयल्ड एग, वो भी बहुत अच्छा होता है। बॉयल्ड एग आप ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाह रहे तो एक छोटा सा पराठा ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट ऑन डाइट। और डाइट में आप एक छोटी रोटी और साथ कोई सालन यूज़ कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। अगर आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इधर उधर की फालतू चीज़ें खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।